Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक पेशेंट की नजर को कैसे टेस्ट करते हैं. जैसे आपने कई बार सुना होगा, या मान लीजिए जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट मेडिकल को क्लियर करना चाहते हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो गया, पुलिस हो गया, SSC, JD, CPO हो गया, NTPC, DMRC, RRB, ये सारे मेडिकल्स हैं. तो आप इनमें देखेंगे कि इन मेडिकल्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है. इन्होंने लिखा होता है कि आपको 6/6 नज़र चाहिए, या 6/9 नज़र चाहिए, या 6/12 नज़र चाहिए, या कुछ लोग 20/20 नज़र, इस तरह के वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में होता है. तो आज हम ये समझेंगे कि ये 6/6 नज़र और ये 6/9 नज़र होती क्या है, कैसे हम लोग टेस्ट करके पता करते हैं कि एक इंसान की नज़र कितनी है, और जब आप मेडिकल में जाएंगे तो आपका वहाँ पे नज़र का टेस्ट कैसे होगा, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ. देखिए, एक इंसान की नज़र को जो हम टेस्ट करते हैं, जो सबसे कॉमन तरीका है इंडिया में टेस्ट करने का, या ऑल ओवर वर्ल्ड टेस्ट करने का, वो हम टेस्ट करते हैं एक चार्ट जिसको हम लोग कहते हैं स्नेलेंस चार्ट. स्नेलेंस चार्ट में क्या होता है, इस तरह के अल्फाबेट्स होते हैं. अब ये अल्फाबेट इंग्लिश में भी हो सकते हैं, ये अल्फाबेट नंबर्स भी हो सकते हैं, या आप चाहो तो आप देख सकते हो ऐसे इस तरह के अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं जहां पे आपको बताना होता है कि मुंह किस तरफ खुला है, या आपको हिंदी में भी दिखा सकते हैं वो, या अगर आपकी कोई लोकल लैंग्वेज है उसमें भी दिखा सकते हैं. तो यहां पे आप देख रहे हो हर लैंग्वेज में, उर्दू में, पंजाबी में, बंगाली में, गुजराती में, अलग अलग लैंग्वेजेस में ये सिंबल्स होते हैं. अब जब हम किसी इंसान की नजर टेस्ट करते हैं तो हमें जो डिस्टेंस रखना होता है इस चार्ट का, पेशेंट के साथ जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 6 मीटर या 20 फीट. लेकिन आप देख रहे होंगे ये कमरा 6 मीटर का तो है नहीं, ये कमरा तो 3 मीटर का है. तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे कमरे का साइज कम होता है तो हम जो डिजिटल स्क्रीन है, यहाँ पे हम लोग हमारे हॉस्पिटल में डिजिटल स्क्रीन से चेक करते हैं, तो हम डिजिटल स्क्रीन में जो फॉन्ट साइज है लेटर्स का उसको छोटा कर देते हैं. इस हिसाब से छोटा कर देते हैं कि 3 मीटर में आपकी चेकिंग हो सकती है. कभी कभार आप देखेंगे कि 3 मीटर पे पेशेंट को बिठाया है और उसके ऊपर एक शीशा लगा देते हैं कि सामने शीशे में पढ़ो और पेशेंट के ऊपर चार्ट होता है. तो वो भी 3 मीटर को शीशे ने डबल करके 6 मीटर कर दिया, वो भी सिस्टम ठीक होता है. या जब आप मेडिकल्स में जाएंगे, गवर्नमेंट मेडिकल को क्लियर करेंगे, तो आपका इस तरह का चार्ट लगा होगा और आपको 6 मीटर से ये चार्ट पढ़ाया जाएगा. तो अलग अलग तरीके हैं ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बना के. अल्टीमेटली प्रिंसिपल ये है कि पेशेंट को चार्ट से 6 मीटर दूर होना है, या उसके अकॉर्डिंगली हमें एडजस्टमेंट्स करनी है. अब जब हम किसी की विजन टेस्ट करते हैं तो आप ये देख सकते हैं अलग अलग साइज के फॉन्ट से यहाँ पे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. तो सबसे ऊपर वाला अगर आप पढ़ लेते हो तो इस नज़र को हम लोग कहते हैं 6/60 की नज़र, 660 की नज़र. उसके नीचे वाला अगर आप पढ़ लेते हो तो आपकी नज़र है 6/36, 636 की नज़र. उससे नीचे वाला अगर आप पढ़ लेते हो तो आपकी नज़र है 6/24. उसके नीचे वाला पढ़ लेते हो, आपकी नज़र है 6/18. उसके नीचे 6/12. उसके नीचे 6/9. उसके नीचे 6/6. तो 6/6 का मतलब है कि ये जो स्टैंडर्ड स्नेलेन चार्ट्स हैं, इसकी लास्ट लाइन अगर आपने पढ़ ली तो आपकी नज़र 6/6 है. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आंखों की टेस्टिंग कैसे करते हैं. आंखों की टेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बस खड़े हुए और हमने ऊपर से नीचे चार्ट को पढ़ लिया. इसकी टेस्टिंग का एक तरीका होता है, और हर जगह आपकी टेस्टिंग ऐसे ही होगी. आप हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ पे भी ऐसी होगी, आप गवर्नमेंट मेडिकल में जाओगे वहाँ पे भी ऐसी होगी. तो क्या तरीका है टेस्टिंग का, ये मैं आपको समझाता हूँ. मेरे साथ क्षितिज है जो आज वॉलंटियर कर रहे हैं हमारे साथ. तो तरीका होता है चेक करने का, हमेशा एक आंख को पहले चेक किया जाता है. तो हमारे पास इस तरह का ऑक्लूडर होता है जिससे हम एक आंख को बंद कर लेते हैं और पेशेंट को चार्ट पढ़ाते हैं. ऑक्लूडर नहीं है, मान लीजिए आप मेडिकल में जा रहे हैं, तो वो बोल सकते हैं कि अपनी हाथ से बंद करो, या कुछ इस तरह के ट्रायल फ्रेम्स होते हैं जिसमें हम पेशेंट को फ्रेम बना सकते हैं
और उसके ऊपर ये काले रंग का ऑक्लूडर लगा सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा आइडिया ये होता है कि एक बारी में एक आंख की नज़र को टेस्ट करना है, राइट। तो मैं क्षितिज में आपको दिखाता हूँ टेस्ट करके। तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा पहले राइट आई की नज़र टेस्ट करते हैं और फिर हम लेफ्ट आई की नज़र टेस्ट करते हैं। ये प्रोटोकॉल इंटरनेशनली पूरे दुनिया में फॉलो होता है। तो पहले क्षितिज की मैं राइट आई टेस्ट करूँगा। तो हमने एक ऑक्लूडर से पेशेंट की लेफ्ट आई को बंद कर दिया और पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा है, चार्ट आई लेवल पे होना चाहिए। क्षितिज बच्चे लास्ट लाइन पढ़ो, 3475027। वेरी गुड, ऊपर से नीचे तक पढ़ो एक बार, 7534200375024307 3475027 3475027। वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं क्षितिज की मैंने लेफ्ट आई को बंद करा, राइट को टेस्ट कर रहा हूं, तो क्षितिज ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पड़ गया। इसका मतलब क्षितिज की नजर बिल्कुल परफेक्ट है, 6/6। ऐसे ही अब हम दूसरी आंख को टेस्ट करेंगे। तो ये ऑक्लूडर है, मैंने दूसरी आंख पे लगाया। क्षितिज बच्चे ऊपर से नीचे पढ़ो, 7534200375042307 3475027। वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं क्षितिज की विजन बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों आंखों से क्षितिज 6/6 पढ़ पा रहा है एक एक आंख को बंद करके। तो जब आप मेडिकल्स के लिए भी जाएंगे, गवर्नमेंट मेडिकल में जहां पे आपकी टेस्टिंग होगी, वहां पे भी आपको पहले एक आंख को बंद करके पढ़ाया जाएगा, फिर दूसरी आंख को बंद करके पढ़ाया जाएगा, और वहां के आपके क्राइटेरियाज है। तो अगर वो कहते हैं कि आपको 6/6 नजर चाहिए, तो जब आप एक एक आंख को टेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल लास्ट लाइन तक पढ़ लेना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि आपको 6/9 नजर चल जाएगी, तो आप अगर सेकेंड लाइन तक पढ़ जाएंगे तो आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा। अगर वो कहते हैं 6/12 तक नजर अलाउड है, तो आप ये वाली लाइन यहां तक पढ़ देंगे तो आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने अभी आपको टेस्टिंग करके दिखाई क्षितिज की, तो ये सारी टेस्टिंग थी दूर की नजर के लिए, डिस्टेंस की नजर के लिए। इसके बाद हम लोग टेस्टिंग करते हैं नियर विजन की, नजदीक की नजर। तो वो कैसे टेस्ट करते हैं, अगेन उसके लिए भी एक चार्ट होता है। इस चार्ट को भी दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आपको नियर चार्ट की एक बुकलेट है, वो पेशेंट को 25 सेंटीमीटर पे रखनी है, एक आंख बंद करनी है और पढ़ना है, और दूसरी आंख बंद करनी है और पढ़ना है, राइट। तो इसमें भी आप देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर से नीचे तक आपके कम होते जा रहे हैं लेटर का साइज, और यहाँ पे लिखा हुआ है N36, N24, N16, N12, N10, N8, N6। तो एक नॉर्मल इंसान को N6 तक पढ़ना होता है। तो एक तरीका मैंने आपको दिखाया कि इस तरह की नियर विजन चार्ट की एक बुक है, उससे टेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग लैंग्वेजेस में है, पंजाबी, उर्दू, अलग अलग लैंग्वेजेस में होते हैं। या एक और तरीका होता है, प्रिंसिपल अगेन सेम है, कि एक इल्यूमिनेटेड चार्ट होता है। तो इस इल्यूमिनेटेड चार्ट को पेशेंट पकड़ता है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और फिर अगेन हम एक एक आंख बंद करके पेशेंट की नजर को टेस्ट करते हैं, राइट। अब ये सब टेस्ट कराने के लिए वैसे तो आपको हॉस्पिटल आना चाहिए, लेकिन क्या कोई तरीका है जहां पे आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हो नजर? तो यस, एक तरीका है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप अमेजोन पे जाइए, मैं इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे आप क्लिक करके इस तरह का चार्ट मंगा सकते हैं। ये चार्ट बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपए का चार्ट आता है, 2-3 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा। इस चार्ट को आपको 6 मीटर या 20 फुट दूर लगाना है। तो आप एक इंच टेप लीजिए, जहां पे चार्ट लगाना है उस दीवार से लेके 20 फुट या 6 मीटर मेजर करके आप वहां पे खड़े हो जाइए, और एक आंख को बंद करके चार्ट पढ़ने की कोशिश करिए, दूसरी आंख को बंद करके चार्ट पढ़ने की कोशिश करिए, और आपको पता लग जाएगा कि आपकी नजर कितनी है। तो अगर आपकी नजर पूरी नहीं आ रही, आंख में चश्मे का नंबर है, तो वो आपको ठीक कराना होता है मेडिकल से पहले। ऑफ कोर्स जो हम टेक्नोलॉजी प्रेफर करते हैं वो है कंट्यूरा विजन, वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेडिकल में लेजर से हम आपको कैसे क्लियर करा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल बी बैक सून।